अगले कंटेस्टेंट जो है, कंटेस्टेंट आ जाओ। जलवा दिखा दिया, तब एक माहौल बना दिया आपने। इंडीड मुझे लगता है तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक्चुअली पापा और मेरे दादाजी ने
मतलब मिलके उन्होंने सॉन्ग सिलेक्ट किए जी. सो स्वीट. सो मैंने मेरे पापा का जो पसंदीदा गाना था वो तो मैंने अभी आपके सामने मतलब गा दिया. दैट इज सो स्वीट. मेरे दादाजी का भी एक बहुत फेवरेट गाना है, उसमें अगर मैं नहीं गाऊंगा तो नाराज हो जाएंगे. एक सेकंड एक सेकंड, आपके आपके पिताजी और दादाजी आए हैं यहाँ पे जी, प्लीज बुलाइए. दादाजी आपने बोल के भेजा था इसको कि एक गाना आपका भी गाना है, तो कौन सा गाना चुना था आपने उत्कर्ष के लिए? मेरे महबूब. अब तो आपको दादाजी का दिल तो रखना ही है, तो आपको दो लाइन गानी पड़ेगी. हो जा. थ्री जनरेशन. मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम. फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा उत्कर्ष. मम्मी जी क्यों नहीं आई? हमारी मम्मी यही है. मतलब? मतलब पूरा संभालता है ये. क्या बात. उत्कर्ष सबकी केयर करता है. सो स्वीट. खाना बनाने से लेके पूरा ध्यान रखता है वो. बहुत अच्छा बनाता है खाना. खाना अच्छा? बहुत अच्छा बनाता है. बहुत ही टेस्टी. बहुत कमाल की चीज हो आप. दादाजी से मिलने आ रहे हैं हम. खाना भी अच्छा बनाते हैं और गाना भी अच्छा गाता है, इसलिए आपको मिलता है गोल्डन माइक. ये बात है. स्ट्रेट टू द थिएटर राउंड. क्या बात है. कम ऑन. म्यूजिक को लेकर मेरे फैमिली बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है. संगीत तो हम किया नहीं कि, लेकिन हमको इच्छा ही था कि हमारा बेटी को पूरी अच्छी तरह से गाना सिखाऊं. हम अक्सर अभी भी सुनते हैं, इतना मतलब प्रोग्रेसिव जनरेशन के बावजूद बेटी है तो इतना पढ़ा के क्या करोगे. मेरे पापा ने माँ ने कभी भी सन और डॉटर में डिफ्रेंशिएट नहीं किया. उनको मुझ पर यह भरोसा था तो इसीलिए शायद मैं सीख पाई हूँ. इंडियन आइडल में मुझे इसलिए आना है क्योंकि मेरे पापा का बहुत बड़ा सपना है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े मंच पे मैं गाऊँ. नमस्कार. हेलो. हेलो. नमस्कार. क्या नाम है आपका? मैं महिमा भट्टाचार्य जी और मैं कोलकाता से आई हूँ. अरे आप तो भट्टाचार्य जी ही हैं. अरे क्या बात है. इधर भी बैठा हुआ है. महिमा में एक अपने आप में एक दुर्गा का एक रूप जैसा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है. बड़ी बड़ी आंखें हैं, घुंघराले बाल हैं, है ना. बहुत सुंदर लग रही है. थैंक यू सो मच. अच्छे से गाइए, सुनने के लिए हम रेडी हैं. आप शुरू हो जाइए. लिपटी लिपटी बनाओ ना बतिया.
प्रॉपरली म्यूजिक सीखती है लड़की, ऐसा लग रहा है मुझे. भरपूर सीख के आई. एफर्टलेसली, भरपूर. ऑलरेडी मुश्किल गाने में अपनी चीजें तुमने और डाली हैं. वो अंतरे में मैं देख रही थी, अरे वो ऐसी ऐसी चीजें गाई तुमने, दिल खुश हो गया. थैंक यू सो मच मैम. जी ना, इनका टोनल क्वालिटी जो है एकदम ओपन, बहुत ओपन टोनल क्वालिटी है. थैंक यू सो मच. बहुत ही स्वीट है जो गाना है ये. इसमें बंगाली वर्षन एक गाया आपने, की सुंदर. अभी कौन सुनी नहीं किंतु मांगला पाठ. किसने गाया वो गाना, किसने गाई है? आशा भोसले जी ने गाया. आशा जी, अरे खूब सुंदर, ब्यूटीफुल. आज साथ में कोई आया है आपके? यस मैम, मेरे पापा आए हैं मेरे साथ. यू नो पापाज आर द बिगेस्ट चीयर लीडर्स फॉर डॉटर्स. एब्सोल्युटली. मतलब ये मेरे केस पे भी है आई थिंक. हर वो लड़की स्पेशली आई फील, उनके पीछे अगर पापा का सपोर्ट रहता है ना, वो कोई दुनिया की ताकत नहीं उसे रोक सके. Absolutely. तो मुझे बहुत अच्छा लगा पापा के साथ ही. अगर पापा यहाँ आए हैं, बिल्कुल प्लीज ब्रिंग हिम ऑन द स्टेज. आई वुड जस्ट लाइक टू से हेलो. नमस्कार. 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 কেমন আছেন? হাউ আর ইউ? হ্যাঁ ভালো আছি. হ্যাঁ গুড গুড. হাত ধরে আর ইউ ইউ আর ডট ওভার সাপোর্টিং ইউ. আপনি তবে ঠিক হ্যাঁ? তবিয়ত মতলব কি আমারা আঁখো কা থোড়া প্রবলেম হ্যাঁ. মতলব জো ইসকা কোই ইলাজ নেই হ্যায়, জো অপটিক্যাল নার্ভ হ্যায় উস সুখ রাহা হ্যায়. ও তো বলে আগে হাম দেখ পাও কি না পাও তো মালুম নেই হ্যায়. কাকু এভাবে কাঁদবেন না. আপনারা আছেন সামনে, এই দেখে নিতে পারছি, এই জন্য আরো নিয়ে আস যদি আগে যেতে পারে আপনাদের আশীর্বাদে. How did this happen? Abhi, matlab, what happened exactly? Actually, doctor, क्या कारण का कारण में ये हुआ वो बता नहीं सका है. बोले बहुत कारण से हो सकता है. आपको आप लोग को देख सकता हूँ लेकिन आप क्लियर नहीं. Vision is not clear. Are you working? आप काम करते हैं कुछ? एक financial year जो 22-23 का था उसमें छोड़ देना पड़ा हमको काम. पढ़ नहीं पाती ठीक से. वो तो क्या करता है ना, क्या, क्या वो मोबाइल का फोटो उठा के काम करता था. अभी फैमिली में कोई मतलब पैसा कमाने वाला कोई नहीं है. तो बेटी गा रही है लेकिन उसको हम बोला तुम गाते जा, सीखते जा, कोई कमी नहीं रहेगा उसमें, हम कुछ कम नहीं करेगा. ये तो बहुत ही गंभीर और कठिन समय से आप गुजर रहे हैं लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ. हाँ. आपकी बेटी जो है उसकी आवाज में बहुत रोशनी है, बहुत रोशनी. जिस तरह आप अपनी बेटी की ताकत बने हैं आज तक, आगे जाके आपकी बेटी आपकी ताकत बनेगी, ये पक्का है. ये वो
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.